वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि सामान्य ज्ञान सार संग्रह से संबंधित है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000+ क्वेश्चन आपको वन लीनियर फॉर्मेट में मिलेंगे, यानी एक लाइन में, साथ ही साथ आपको वहीं पर उत्तर भी इसका मिल जाएगा। और ये सारे 1000+ जो क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ये सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे नए भी आपको देखने को मिलेंगे जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। तो ये एग्जाम, ये जो सारे क्वेश्चन होंगे, ये आपके वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं किसी भी राज्य की मैं बात करूं, और साथ ही साथ है यूपी में अगर ये एलटी एग्जाम के लिए मैं बात करूं तो उसमें 30 नंबर के जीएस सेक्शन रहेगा। तो स्पेशली उसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूट्यूब मेंबर ये चीज़ कह रहे थे कि एलटी के लिए भी कुछ कंटेंट दीजिए आप, तो क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम वही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एलटी में ये क्वेश्चन आएंगे, आपके ये सारे क्वेश्चन आप खुद अभी देखेंगे। अगर आप मैं टेट सीटेट की बात करूं तो आप प्राइमरी लेवल का जो इन्वायरमेंट रहेगा, या सेकेंडरी लेवल की मैं बात करूं तो सामाजिक अध्ययन के 30 क्वेश्चन उसमें आएंगे। साथ ही साथ वीडियो या फिर और भी जितने भी एग्जाम होंगे सभी के एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न जो हैं ये कम्प्लीट रहेंगे। तो आज इसका मैं एक डेमो पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें आपको 30+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इसके आगे की जो सीरीज लगभग 4 से 5 वीडियो में 1000 क्वेश्चन में आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, तो वो सीरीज में दूंगा। लेकिन शर्त यही रहेगी जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कहाँ ये सीरीज मुझे अच्छी लगी और आगे की सीरीज भी आप दीजिए, इसके पार्ट और भी दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन देखने के बाद खुद समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप पेपर दे रहे होंगे एग्जाम में लगे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनमें से जरूर 2-4-6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला होगा। पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश होता है तो उष्णकटिबंधीय जो होता है अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश होता है। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण, यानी सभी विषयों का ये सम्मिलित रूप है और इसमें सभी विषयों के आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए सभी एग्जाम की दृष्टि से ये सीरीज महत्वपूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है, यानी पवन की अपवाहन क्रिया जो होती है जिसे डिफ्लेक्टिंग एक्शन बोला जाता है इंग्लिश में, उसे क्या कहा जाता है? तो प्लाया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत क्षेत्र में जो सबसे अधिक कर का भुगतान करता है वो कौन सा क्षेत्र है? तो बैंकिंग क्षेत्र जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स को पेमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुनामी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कर की दरें बढ़ती हैं कि घटती हैं? तो कर की दरों में जो है वो टैक्स रेट में जो है वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया हुआ था? तो रेग्नर फ्रिश महोदय ने जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समिष्ट अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष को जब अपना त्यागपत्र देना होता है तो किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है अपना त्यागपत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं? संविधान का बहुत ही मतलब पेट क्वेश्चन है छोटे एग्जाम के लिए, जो वन डे एग्जाम होते हैं तो उन्हें न्यायपालिका कहा जाता है, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका हमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य जिसमें स्वेच्छाचारी शासन संभव है तो कौन सा एक दलीय राज्य है? अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियम स्टेट्स जो है कब मिला, किस डेट से मिला? तो 15 अगस्त 1947 से भारत को डोमिनियम स्टेट्स का दर्जा मिला, यानी 15 अगस्त 1947 से। क्या कारण है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है? यानी अगर कहीं पे पेट्रोल से आग लग गई है तो वहाँ अगर आप पानी से बुझाएंगे तो जल्दी आग बुझेगी नहीं, क्यों? इसका रीज़न क्या है? साइंस का प्रश्न है ये, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में आमिश्रणीय हैं, यानी एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। यानी पानी अगर आप डालेंगे तो पानी के ऊपर जो है पेट्रोल तैरता हुआ फिर भी जलता रहेगा, इसलिए जो है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है, इसलिए जो गुब्बारे मिलते हैं गैस वाले जो ऊपर उड़ते हैं उनमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का है। सरकारी आयोग बनाया गया था, सरकारी आयोग किस लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य और संबंध के विषय में इस आयोग का गठन किया गया था, यानी केंद्र और राज्यों का संबंध अच्छा रहे, इस संबंध को सुधारने के लिए ही सरकारी आयोग बनाया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, यानी रुधिर को रोकने में, यानी रुधिर का थक्का जमने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो विटामिन के है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के घटक सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर जो है प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र संघ में किस सदस्यों को? तो सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं उन्हें वीटो पावर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित है। आईसी चिप जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसे बोलते हैं, लगी होती है, आमतौर पर बनाए जाते हैं, कंप्यूटर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो सिलिकॉन से जो है आईसी चिप बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही जो रुधिर वर्ग होता है वो ए बी ग्रुप होता है, और सर्वदाता ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो सर्वदाता ग्रुप जो होता है वो ओ ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग किए गए हैं किस डिग्री चैनल से? तो ये 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करके पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल जो है किन द्वीप समूहों को अलग अलग करता है? तो आंसर जो हो जाएगा आपका, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। देखिए इस सीरीज में जो फर्स्ट पार्ट में लेकर आया हूँ, इसमें आपको 33 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके आगे के पार्ट तभी आप लोगों को मिल सकते हैं जब आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देखेंगे एनवायरनमेंट का, आप जब इस टाइम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एनवायरनमेंट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए होंगे। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है मानव हृदय में, जो कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजानिया की राजधानी स्थित है, यानी तंजानिया जो एक आपका कंट्री है उसकी राजधानी क्या है? तो उसका राजधानी जो है दारे सलाम है। भारत की नदी जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे गोदावरी नदी है जिसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है 1921 से 1931 के बीच में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है, यानी आरबीसी की संख्या जो एक सामान्य पुरुष में, सामान्य वयस्क पुरुष में कितनी होती है? 5.0 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी मानव शरीर में जो संक्रमित चीज़ें होती हैं या संक्रमण जो फैलता है किस विटामिन की कमी से होता है, या कौन सा विटामिन जो है संक्रमण को रोकता है? तो विटामिन ए है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कुल अस्थियां हैं, यानी मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो एक वयस्क शरीर में या वयस्क व्यक्ति में मानव शरीर की अस्थियां 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का वो है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? यानी अगर माँ का रुधिर वर्ग ए बी है और पिता का ओ है, या पिता का ओ वर्ग है और माता का ए बी है, तो आने वाली जो उनकी संतान होगी उनका रुधिर वर्ग क्या होगा? तो वो संभावना या तो रुधिर वर्ग ए हो सकता है उनके बच्चों का, या फिर बी हो सकता है। अग्नि का सही वर्णन होता है, यानी अग्नि जो वर्ड है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो दीर्घ परास मिसाइल में जो है अग्नि का सही वर्णन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसे प्लैनीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में जो है रायबरेली जो एक ज़िला है वहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IR20 और रत्ना किस फसल की दो प्रमुख किस्में हैं? यानी ये दो फसल की किस्में हैं, IR20 एक फसल की किस्म है और रत्ना एक फसल की किस्म है, तो ये दोनों जो फसल की किस्में हैं किस फसल से संबंधित हैं? तो ये धान की किस्में हैं, यानी धान के फसल की किस्में हैं IR20 और रत्ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन? यानी कौन जो सबसे पहले आया भारत में और सबसे बाद में गया? तो वो पुर्तगाली थे जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन मिशन भारत आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से, तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो उस आंदोलन का क्या नाम था जो नमक कानून के उल्लंघन में शुरू किया गया था? तो इस आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और आज की सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी यानी हत्या हुई थी, तब किसने कहा हुआ था, ये कोटेशन है, कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा हुआ था ये कोटेशन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आज की सीरीज के 33+ कंप्लीट हुए, और इसी तरह महत्वपूर्ण नोट्स पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप या भी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आप लोगों के कमेंट पर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।